ट्राईपोड को स्टक करने के लिए, और ये क्रिएटर कॉम्बो है, तो इतनी चीज़ें आप इसके अंदर। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार बनाना बसते, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट। तो जी, जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं DJI पॉकेट 2 क्रिएटर कॉम्बो से शूट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी। वीडियो दिखाने के लिए मैंने ये क्रिएटर कॉम्बो परसों ऑर्डर किया था और आज ये मुझे मिल गया था, तो आपको इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। तो दोस्तों, अपनी वीडियो क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए मैंने लिया है DJI पॉकेट क्रिएटर कॉम्बो। तो ये आप देख सकते हैं, ये कल आ गया था, लेकिन सुबह मैंने ओपन भी किया था, उसके बाद फिर जॉब पे चला गया था। तो लेकिन अभी मैं इसको आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये क्रिएटर कॉम्बो है, तो इतनी चीज़ें आप इसके अंदर। तो दोस्तों, इतना सामान था इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं DJI पॉकेट 2, ये हो गया इसका कवर, और ये हो गया ट्राईपॉड, और ये हो गया वाइड एंगल लेंस, और ये हो गया आपका मिनी कंट्रोल स्टिक, और ये हो गया आपका ट्राईपोर्ट को स्टक करने के लिए, और ये है इसका विंड स्क्रीन, और ये है इसका स्ट्रैप, और ये इसकी चार्जिंग केबल, और ये इसके दो एडाप्टर iOS के लिए और एंड्रॉयड दोनों के लिए, और ये इसका ट्रांसमीटर कुछ है इसके अंदर, लगभग वही इसके अंदर है 13 चीज़ें। तो दोस्तों, ये DJI पॉकेट 2, तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो मेमोरी कार्ड, इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 128 GB का, आप छोटा वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है 128 GB, क्योंकि इसमें बार बार टेंशन नहीं होती, आप डिलीट करो ये करो, जिस दिन मौका मिला उसी दिन डिलीट कर दो। सबसे पहले इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया जी इसका सिस्टम, अब इसको थोड़ा सा ऑन कर देते हैं, ये हो गया ये ऑन, और अब इसके बाद इसमें ये फंक्शन है, इसमें कुछ ये आप इसका मतलब स्क्रीन टच ही है, इसके छोटी सी स्क्रीन है लेकिन कमाल की है, ये देखो आप सारा स्क्रीन टच है, हिस्टोरी हो गया, पानो हो गया, फोटो हो गया, और इसके बाद यहाँ वीडियो हो गया, ये हाई डेफिनेशन वीडियो होगी, ये स्लो मोशन हो गया, या टाइम लेपेस हो गया। तो ये है जी कुछ इसमें फंक्शन, और उसके बाद अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ करूँ तो ये आ गया इसका सेटिंग का, ये आ गया इसका प्रो का, और इसके बाद इसको ये प्लस माइनस, ये जूम के लिए होता है, आपको अगर जूम करना है तो इसे इधर से आप वो कर सकते हैं, इसको टच करके इसको कर सकते हैं जूम। तो ये है कुछ इसमें सिस्टम, और उसके बाद इसको अगर इससे ज़्यादा आपको जानना है तो इसको आप मोबाइल से ज़्यादा, मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद इसमें बहुत कुछ ज़्यादा सिस्टम खुल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से ये। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसका ऐसा सिस्टम है कलर में, इस कलर को ग्रेडिंग नहीं करूँगा, तो ये आप देख सकते हो इसका जो नेचुरल कलर होगा वही दिखेगा आपको, तो शायद क्वालिटी मुझे लग रही है काफ़ी अच्छी है, ये देख लो आप। ये थोड़ा जूम को चेक करते हैं कितना है जूम, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे, ये देख लो आप, सारा क्लीन सा रहा है, तो मुझे लग रहा है जूम भी काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, अगर मैं इस कैमरे की बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हालांकि धूप नहीं खिली हुई लेकिन फिर भी मतलब अच्छी क्वालिटी दे रहा है, लेकिन अगर आसमान साफ हो और धूप भी खिली हो तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी दे सकता है। तो ये है जी इसके अंदर की क्वालिटी का सिस्टम, और THD पे तो ये ब्यूटी फेस भी देता है, और 4K पे तो नहीं देता है, 4K पे ये ब्यूटी फेस को सपोर्ट नहीं करता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेरे हिसाब से। तो अब कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो जो अगर धूप खिली होगी तो उसमें बनाऊंगा, तो फिर उस दिन मुझे और अच्छा पता चल जाएगा इसके बारे में, तो अभी तो नया नया इतना ज़्यादा पता है नहीं इसके बारे में। और अब मैं इसको लेके भागता हूँ, इसका स्टेबलाइजेशन मतलब चेहरे पे कैसा पड़ता है, वीडियो कैसी बनती है, तो अभी
तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं DJI 2 की कॉम्बो की, तो इसके जो अब अगर हम इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन खुल जाते हैं, तो बहुत इजी होता है चलाने के लिए ये। इतना मैंने इसको सुबह भी ट्राई किया था, तो अभी तो मैं फील्ड में आ रखा हूँ, उसका सारा ट्रायल इधर ले रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि इसकी वॉइस क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि जब मैं इसका रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ तो वॉइस क्वालिटी काफ़ी मतलब अच्छी आ रही है। तो टोटली पैसा वसूल समझ लो ये वीडियो क्वालिटी को कुछ इम्प्रूव करने के लिए, तो मैंने ये क्रिएटर कॉम्बो लिया है DJI Pocket 2। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसमें अभी एक दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, जैसा फेस ट्रैकिंग किस हिसाब से करवाते हैं इतना मुझे भी पता नहीं है, अभी नया है, एक ही दिन हुआ इसको मेरे हाथ पे अभी तक। तो धीरे धीरे शायद पता चल जाएगा इसके बारे में। तो इसमें फेस ट्रैकिंग भी है, सब चीज़ है जो मैंने इसके उसमें पढ़ा था, इसकी वेबसाइट में भी, और इसके जो मैनुअल बुक होती है इसके साथ उस पर पढ़ा था फेस ट्रैकिंग भी है। तो उसको मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ इतना, तो अभी यहाँ अंधेरा अंधेरा भी हो रहा है, तो अब रूम पर चलता हूँ। तो अभी मैं इसके ट्रांसमीटर से इसकी आवाज़ चेक कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, जितना भी दूर जाए, शायद पता नहीं कितने मीटर का रेंज है इसका, ये वो मुझे भी पता नहीं है, तो शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अभी देखो मैं कम से कम 12-15 मीटर चला गया हूँ पीछे, तो इतनी दूर से इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है शायद। तो दोस्तों अब ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये देख लो आप, बारिश लगने लगी है, आसमान बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब रूम पे चलता हूँ, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।